हेलो, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट होते क्या हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, साथ ही किसी सबस्टेंस के ट्रिपल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है। हमारे ट्रिपल पॉइंट के लास्ट वीडियो में हमने जाना कि किसी सबस्टेंस का ट्रिपल पॉइंट फेज डायग्राम में वह प्रेशर और टेम्परेचर होता है जिस पर सबस्टेंस के तीनों फेज इक्विलिब्रियम में होते हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट की। इसे समझने के लिए H2O का फेज डायग्राम लेते हैं। इस डायग्राम में ग्रीन कर्व लिक्विड गैस फेज इक्विलिब्रियम कर्व कहलाती है, जो कि H2O के लिक्विड स्टेट यानी कि वाटर को गैस स्टेट वेपर से सेपरेट रखती है। इस कर्व के लेफ्ट साइड में H2O वाटर की फॉर्म में जबकि राइट साइड में वेपर की फॉर्म में होता है। यह कर्व ट्रिपल पॉइंट से स्टार्ट तो होती है लेकिन इनफाइनाइट तक नहीं जाती, बल्कि एक पॉइंट C पर जाकर टर्मिनेट हो जाती है। इसी पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट से आगे H2O के लिक्विड और गैस फेज को सेपरेट नहीं किया जा सकता। H2O के लिए यह क्रिटिकल पॉइंट 374 डिग्री सेल्सियस है 217.6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। इससे अधिक टेम्परेचर और प्रेशर पर वाटर और वेपर मिक्स फॉर्म में रहते हैं। इसे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहा जाता है। इस तरह किसी सबस्टेंस का क्रिटिकल पॉइंट वह मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर होता है जहां तक सबस्टेंस के दो फेजेस एक दूसरे से डिस्टिंग्विश किए जा सकते हों। इस तरह इस वीडियो में आपने जाना कि किसी सबस्टेंस का ट्रिपल पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां पर सबस्टेंस के तीनों फेजेस इक्विलिब्रियम में होते हैं, जबकि क्रिटिकल पॉइंट ऐसा मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर का पॉइंट होता है जहां तक सबस्टेंस के दो फेजेस को एक दूसरे से सेपरेट रखा जा सकता है। इस प्रेशर और टेम्परेचर से अधिक वैल्यूज़ पर सबस्टेंस के दोनों फेज एक दूसरे से सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के बारे में यह इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।